क्या आपने कभी इस तरह की चीजें बोली हैं? मुझे नहीं पता कि क्या खरीदूं, मुझे नहीं पता कि क्या करूं, well, मुझे मैं नहीं जानता कि क्या बोलूं। तो सिंपल इस तरह की चीजों को हम कैसे बोलते हैं? और एक चीज और है, हम जब बोलते हैं अरे आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो, अरे आज क्या हुआ, आज तुम उदास लग रहे हो, अरे थके हुए लग रहे हो, आराम करो। तो इस तरह की चीजों को आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज जो हमारी सीरीज की वीडियोज जो मैंने आपके लिए सीरीज चला रखे फ्री में, जो बहुत सारी चीजें हम आपको फ्री में देते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, उसके लिए प्रेस द बेल आइकन, मतलब बेल आइकन को प्रेस कर लेना, राइट। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता कि क्या करूं, या कोई भी चीज आपको जब ऐसे इस तरह से बोलनी होती है, तो सिंपल उसमें हम लगाते हैं आई डोंट नो व्हाट टू, और उसके बाद व्हाट टू टू के बाद हम लगा देंगे वो एग्जैक्टली वो काम। जैसे मैं कहूं आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, मतलब मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं जानता कि इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूं, व्हाट टू से, राइट। एक मैं बोल सकता हूं आई डोंट नो व्हाट टू बाय, मुझे नहीं पता कि क्या खरीदे, मुझे नहीं पता कि क्या खरीदूं, सो सिंपल आई डोंट नो व्हाट टू बाय, मुझे नहीं पता कि क्या खरीदे या क्या खरीदूं। तो सिंपल आई डोंट नो और व्हाट टू के साथ आप वो काम लगा सकते हो जो आपको लगता है कि यार हाँ ये मुझे नहीं पता। जैसे मैं एक सेंटेंस और बोल सकता हूं आई डोंट नो व्हाट टू डू, I don't know what to do, मुझे नहीं पता कि क्या करें। तो सिंपल I don't know what to के साथ आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर नहीं किया है अब तक, प्रेस द बेल आइकन, राइट। तो देखो आगे बढ़ते हैं। एक होता है जब हम बोलते हैं कि तुम उदास लग रहे हो, कि तुम खुश लग रहे हो, तो उस तरह की चीजों को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू सीम। यू सीम के साथ हम वो एक्सप्रेशन लगा देंगे जो हमें लगता है कि वो बंदा सामने वाला, मतलब जब जो भी हमने भांप लिया, जो कहते हैं ना हम भांप लेते कई बार कि अरे तुम तो उदास लग रहे हो, अरे तुम तो ना थोड़ी से दुखी लग रहे, तो उसको हम बोलते हैं यू सीम, और उसके बाद वो एक्सप्रेशन। जैसे हे यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। यू सीम टायर्ड, तुम टायर्ड लग रहे हो, टायर्ड मतलब थके हुए लग रहे हो। जैसे मैं कहूं हे यू सीम सैड, तुम उदास लग रहे हो। सो सिंपल हम लगा सकते हैं गाइस यू सीम, और उसके बाद वो एक्सप्रेशन। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको हर रोज जो हमारी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।